नमः संस्कृता। SDG क्लासेस पर मेघदूत में उत्तर में की व्याख्या चल रही है और अभी तक हम लोग 37 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज 38 और 29 39वां श्लोक लेके आए हैं। आप 3 बढ़ाकर जोड़ते रहिए, आपको वो श्लोक संख्या आपकी पुस्तक में मिल जाएगी। तो इसके पहले तक हमने 37 श्लोकों का अध्ययन किया, उसके अर्थों को जाना। अब वह यक्ष मेघ से, यक्षणी से मेघ कुछ कहे, इसी की चर्चा इन 2 श्लोकों में हुई है। आइए जानते हैं कैसे हुई है। मंदाक्रांता छंद है, 4, 6, 7 पर यथि होती है। अर्थात मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं, वर्णिक छंद है इसलिए वर्णों की गणना होगी और आधे अक्षर गिने नहीं जाते। तो ये सब मंदाक्रांता के लक्षण हैं या छंदों के लक्षण हैं। इसकी चर्चा कभी अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ बातें हों तो कमेंट करें। तो बोलिए हमारे साथ कि भर्तु मे त्रम प्रेयाम बेधवे बेदे मांबो वाहम तत्संदेश हृदय निहित रागतम त्वत्समीपम् यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रेषितानां मन्द्रस्निग्धये ध्वनिभिरवला वेणिमोक्षो सुखे सुखानी। यहाँ बताया कि मोक्षो उत्सुकानी, मोक्ष उत्सुकानी। अब आ जाओ ऊपर। अब मेघ जब उस यक्षणी के गवाक्ष मार्ग पर बैठा है तो अब मेघ कुछ बोलेगा। भाई यक्ष ने भेजा था कि हमारी पत्नी सो रही होगी, उसे शीतल जल छिड़क कर उसे उठाना। ये हमने पिछले श्लोक तक पढ़ा, जब वह उठ जाएगी तो संदेश कहना। संदेश क्या है तो बताया कि अविधवे, पहला ही शब्द दिया कि अविधवे। प्रियम में मा हलंत है और बनेगा अविधवे। अविधवे का अर्थ ही हो जाएगा कि हे सौभागी, सौभागिनी, अर्थात तुम अभी विधवा नहीं हो, तुम्हारा पति जिंदा है। इसीलिए वह यक्ष मेघ से कहता है कि हमारे यक्षणी को तुम अविधवे से संबोधित करना कि हे अविधवे। तो वह तुरंत समझ जाएगी कि तुम्हारा पति अभी जिंदा है। तो अविधवे माम माने मुझे, अविधवे माम भर्तु प्रियम मित्रम, हे अविधवे, हे सौभाग्यवती, माम माने मुझे, भर्तु माने अपने स्वामी का, अपने पति का, प्रियम मित्रम, प्रियम मित्र विद्धि माने जानो समझो। हे यक्ष मेघ से कह रहा है, यक्ष मेघ से कह रहा है कि अविधवे, अविधवे से किसका बोध हो रहा है, यक्षणी का बोध हो रहा है, संबोधन है। जैसे रमे बनता है संबोधन, उसी तरह अविधवे बना, अविधवा का अविधवे। हे अविधवे, हे सौभाग्यवती यक्षणी, या हे यक्षणी, माम माने मुझे, भर्तुम प्रियम मित्रम, मुझे अपने भर्ता का, मुझे अपने पति का, मुझे अपने स्वामी का प्रिय मित्र समझो, विद्धि माने समझो। और बताया नीचे कि मुझे अपने भर्ता का या अपने स्वामी का प्रिय मित्र समझो। और तत्संदेशये हृदय निहितये, मैं तुम्हारे स्वामी का प्रिय मित्र हूँ, और तत् माने उसी के संदेश को हृदय निहितये, हृदय में रख कर, तत्संदेशये हृदय निहितये,
अर्थात तत् माने उसके, तत् से किसका बोध रहा है, उस यक्ष का माने तुम्हारे स्वामी का, तुम्हारे पति का जो संदेश है वह हृदय निहित हृदय में रख कर लाया हूँ। हृदय निहितम आगतम, मैं आपके पति का उसके, उससे किसका बोध हो रहा है, तत् से उसके संदेश हृदय हृदय निहित कि उस पति का माने आपके स्वामी का, आपके भर्ता का जो संदेश है उसको हृदय में रख के लाया हूँ। आगतम माने आया हूँ, आया हुआ, आगतम माने आया हुआ, त्वत समीपम तुम्हारे समीप आया हूँ। भाई गवाक्ष मार्ग पर ही तो बैठा है मेघ, तो वही बताया कि त्वत समीपम आगतम अर्थात तुम्हारे पति के संदेश को लेकर तुम्हार, त्वत माने तुम्हारे, तो त्वत से यक्षणी का बोध हो रहा है, तुम्हारे समीपम माने समीप आगतम, मैं तुम्हारे समीप आया हुआ अम्बुवाहम, मुझे मेघ समझो, अम्बुवाहम माने जल को ढोने वाला था बादल, और विद्धि माने समझो। अब इसको इस प्रकार से बैठा लूँ कि माम अविधवे माने हे सौभाग्यवती हे यक्षणी, तो अविधवे से बोध हो गया तुम्हारा पति जिंदा है, तो अविधवे माम भर्तु प्रियम मित्रम कि मुझे अपने पति का, अपने स्वामी का परम मित्र जानो, प्रियम दिया, मित्र का विशेषण दिया कि प्रियम मित्रम, मैं उसका बहुत प्रिय मित्र हूँ, और तत्संदेश और उसी का संदेश हृदय निहित हृदय में रख कर त्वत समीपम तुम्हारे समीप आगतम आया हुआ अम्बुवाहम बादल हूँ। और विद्धि माने समझो, मैं तुम्हारे पति का संदेश लेकर हृदय में रख कर आऊँ, आपके पति का संदेश लेके त्वत समीपम आगतम तुम्हारे समीप आया हुआ अम्बुवाहम मैं मेघ हूँ। वो अपना परिचय दे रहा है कि मैं बादल हूँ, मैं मेघ हूँ, अम्बुवाहम माने मेघ होता है, और विद्धि माने समझो, मुझे मेघ समझो। जब उसके वह समीप आया तो हुआ का कि यो वृंदानी, जो मैं अम्बुवाहम हूँ, जो मैं मेघ हूँ, जो तो बता रहा कि मैं कार्य क्या करता हूँ कि जो वृंदानी त्वरयति पथि श्राम्यताम प्रोषितानाम, प्रोषितानाम माने जो प्रवासी लोग हैं, पथि माने मार्ग, श्रमता माने विश्राम, कि जो प्रवासी लोग होते हैं वह मार्ग में विश्राम के कारण रुके हुए होते हैं, पहले साधन नहीं थे, गाड़ी घोड़ा आदि इत्यादि नहीं थे, तो वह पैदल ही एक शहर से दूसरे शहर कमाने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए वह जाते थे, धन की इच्छा के कारण वो दूसरे शहरों में जाकर मेहनत करते थे, और जैसे ही वर्षा काल प्रारंभ होता था तो वह अपने घरों को लौटाते थे। वर्षा काल में काम हर फैक्ट्रियों में कम होता है, तो इसीलिए लोग अपने घर वापस आते थे, उसी स्थिति का वर्णन यहाँ पर यक्ष मेघ से बता रहा है, नहीं मेघ अपनी यक्षणी से बता रहा है कि प्रोषिताना मैं प्रवासियों को पथिश्रम्यताम, जब वो अपने घर आते हैं, जब वह प्रवासी लोग अपने घर के लिए वहाँ से प्रस्थान करते हैं, और पथि माने मार्ग में विश्राम, श्राम्यताम विश्राम करने के लिए रुके होते हैं, तो वृंदान माने समूह, ऐसे प्रवासियों के समूह को त्वरयति उन्हें जल्द घर भेजने के लिए प्रयास करता हूँ। कैसे करता हूँ, तो दिया है मंद्र स्निग्ध ध्वनि, मंद माने मंद माने धीरे, स्निग्ध माने मीठा, अर्थात गंभीर और मीठे ध्वनि के द्वारा माने गंभीर गर्जना के द्वारा मैं उन्हें जल्दी घर भेजने का प्रयास करता हूँ। और जो वह प्रोषिता नाम है वह का क्या करते हैं, तो दिया है अबला वेणी मोक्षात सुकुनी, अर्थात अब स्त्रियों के वेणी को मोक्षा, वेणी माने चोटी को मोक्षात माने खोलने के लिए उत्सुक, उत्सुकान माने उत्सुक या इच्छा वाले। पहले यह प्रथा थी कि जब भी पति कमाने के लिए बाहर जाता था
अपनी पत्नी की बालों में चोटी बांध देता था, चोटी बांध देता था। और वह चोटी तभी खुलती थी जब पति उसका वापस लौटकर आता था, उसी के द्वारा खोला जाता था। उसी चीज़ की चर्चा की गई कि अबला बेण मोक्षात सुकानी, अर्थात मोक्ष उत्सुकानी, उत्सुकानी कहने का तात्पर्य है कि स्त्रियों की चोटी को खोलने के उत्सुक या खोलने की इच्छा वाले प्रोषिता नाम, ऐसे प्रवासियों को जो मार्ग में विश्राम कर रहे हैं, उनके समूह को न पथि श्रम्यताम प्रोषिता नाम, मार्ग में विश्राम करने वाले प्रवासियों के वृंदावनी समूह को त्वरयति जल्द भेजने के लिए मंद स्निग्ध ध्वनि भी, मैं मंद माने धीरे धीरे, स्निग्ध माने मनोहर चिकना, स्निग्ध माने गर्जना, अर्थात मंद गर्जना के द्वारा मैं उन्हें घर भेजने का प्रयास करता हूँ। यदि रास्ते में वह रुकते हैं तो उन्हें ज़्यादा विश्राम नहीं करने देता, मैं गरजता हूँ, बरसता हूँ ताकि वह जल्द से जल्द अपनी अबला वेणी की चोटी को खोल सकें। ऐसी उत्सुकता वालों को मैं जल्द से जल्द घर भेजना चाहता हूँ। ऐसा मैं अम्बुवाहम हूँ, ऐसा मैं मेघ हूँ, मैं प्रियतमाओं को उनके पति से मिलाने के लिए, जो रास्ते में प्रियतमा विश्राम करने के लिए रुक गए हैं, उनको मिलाने के लिए मैं अपनी ध्वनि के द्वारा, अपनी मंद गर्जना के द्वारा उन्हें जल्द घर भेजने के लिए त्वरयति प्रयास करता हूँ। क्लियर हो गया? यह श्लोक का अर्थ रहा कि भर्तो मित्रम, मैं तुम्हारे भर्ता का प्रियम मित्रम, प्रियम माने अच्छा मित्र हूँ या प्रिय मित्र हूँ। हे विधवे, हे सौभाग्यवती, माम माने मुझे अपने भर्तु का, स्वामी का परम मित्र समझो। और तत् संदेश है, और उसी स्वामी के संदेश को हृदय निहित, हृदय में रख कर त्वत् समीपम आगतम, मैं तुम्हारे पास आया हुआ अम्बुवाहम, मेघ हूँ या बादल हूँ। और हमारा कार्य है, यो माने जो, जो वह मेघ है वह प्रोषिता नाम पथि श्राम्यताम, अर्थात प्रवासियों के वृंदानी माने समूह को, प्रोषिता नाम वृंदानी पथि श्राम्यताम, जो प्रवासी का समूह रास्तों में विश्राम करता है या विश्राम कर रहे हैं, उनको मैं त्वरयति जल्द भेजने के लिए मंदम स्निग्ध ध्वनि भी, मंद और स्निग्ध ध्वनि के द्वारा मैं उन्हें त्वरयति जल्द भेजने का प्रयास करता हूँ। और जो प्रोषिता नाम है घर इसलिए आ जाए क्योंकि अबला वेणी मोक्षात मोक्ष उत्सुकानी, क्योंकि वह अपनी स्त्रियों को विदेश जाते समय या वियोग के पहले दिन वह अपनी स्त्री के बालों में जो चोटी बांध कर गए हैं, उस चोटी को खोलने के उत्सुक प्रोषिता नाम, ऐसे प्रवासी जो रास्तों में विश्राम कर रहे हैं, उनको मैं जल्द से जल्द घर भेजने के लिए कार्य करता हूँ। यह मेघ अपना परिचय दे रहा है कि मुझे अपनी भर्तु का, अपने स्वामी का मित्र समझो, और उसके संदेश को, तत् संदेश है, उसके संदेश को हृदय नहीं थे, दिमाग में नहीं रखा, हृदय में रखा। क्यों? दिमाग में बातें भूल सकती हैं, लेकिन हृदय में यदि कोई बात उतर गई वह जीवन भर नहीं भूलेगी, इसलिए हृदय निहित, हृदय में रखा हूँ, इसीलिए मैं आपके समीप आया हुआ मेघ हूँ। अपना परिचय दे रहा है कि मैं बादल हूँ, मैं मेघ हूँ, जो मैं संदेश आपके पास लेके आया हूँ। तो अपना परिचय दिया, मैं कार्य क्या करता हूँ बता दिया, कि रास्ते में जो प्रेमी अपने प्रेमिकाओं से मिलने के लिए विदेशों से घर चल आने के लिए चल दिए हैं, लेकिन ज़्यादा चलने के कारण उनके पैरों में थकावट आ गई है, आराम कर रहे हैं, तो मैं अपनी मंद और स्निग्ध गर्जना से मैं उन्हें जल्द से जल्द अबलाओं की एक बेड़ी खोलने के लिए उनको जल्द से जल्द उस रास्ते से उन्हें जल्दी जाने का प्रयास कराता हूँ, कि वो जल्द से जल्द अपने घरों को पहुँचे। यह श्लोक का भाव रहा। अब आ जाते हैं अगले श्लोक में कि इत्याख्याते, माने जो इस प्रकार की बातें अभी ऊपर बताई गई, इस प्रकार की पुरानी बातों को सुनकर
पवन तनयम मैथिलीयोन्मुखीसा त्वामुत्कण्ठोच्छ्वसित हृदया वीक्ष्य सम्भावचैवम् श्रुष्यत्यस्मात् परम वहिता सोम सीमन्तनीनां कान्तो दन्तः सुहृदुपनतः संगमा किञ्चिदूनः। तो यह आपकी एक सुक्ति है, यह आपकी क्या है, एक सुक्ति है। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इत्याख्याते, जो इस प्रकार की बातें आपको पहले बताई गई और बताया कि जब तुम उस पत्नी से, हमारी यक्षिणी से, यक्षकारा, जब हमारी यक्षिणी से तुम बताओगे कि भर्तो मित्रम प्रेयम विधवे वेदे माम्बो वाहम, जब ऐसा हमारी पत्नी से बताओगे कि मैं तुम्हारी भर्ता का मित्र हूँ, पत्नी हमारी इधर उधर देखने लगेगी, उसे विश्वास हो, अरे हमारे पति का कहाँ से संदेश आ गया, कौन बता रहा है कि मैं तुम्हारे स्वामी का मित्र हूँ। वही चीज़ बताए इत्याख्याते, जैसे ही इस प्रकार के वचनों को वह सुनेगी तो होगा क्या कि उन्मुखी सा वह ऊपर देखेगी, वह ऊपर देखेगी, उन्मुखी माने ऊपर, सा माने वह, सा से किसका बोध हो रहा है, यक्षिणी का बोध हो रहा है, सा को पकड़े रहिएगा कि सा उन्मुखी जब इस प्रकार की वह बातें सुनेगी तो आप गवाक्ष मार्ग पर बैठे हो, आप जो है गवाक्ष मार्ग पर बैठे हो और यक्षिणी यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर बैठी हुई यक्षिणी वह क्या कर रही है कि तुम यहाँ मेघ बैठा है, यहाँ पर क्या बैठा है, मेघ बैठा हुआ है और तुम ऊंचे बैठे हो, इसीलिए उन्मुखीसा यह यक्षिणी तुम्हें ऊपर मुख कर देखेगी, ऊपर नज़र करके देखेगी कि उन्मुखीसा, इसलिए उन्मुखीसा किया। और कालिदास का ऊपर के श्लोक की उपमा नीचे के श्लोक से दे दी गई कि पवन तनय मैथिली, जैसे सीता जी ने, मैथिली का अर्थ हो गया सीता जी ने पवन तनय हनुमान जी को देखा था, हनुमान जी भी जो है वह इस अशोक वाटिका के वृक्ष के ऊपर बैठे थे, इस अशोक वाटिका के वृक्ष के ऊपर बैठे थे और नीचे यहाँ पर सीता जी बैठी थी। तो जब हनुमान जी ने सीता जी को आवाज़ लगाई या जब उन्होंने राम का नाम सुना तो उन्होंने सोचा कि इस अशोक वाटिका में राम का नाम लेने वाला कौन है, यहाँ तो सब रावण रावण कहते हैं, तब उन्होंने देखा कि पेड़ से आवाज़ आ रही है, तो सीता जी ने जैसे हनुमान जी को देखा नज़रें ऊपर करके, उसी तरह उस यक्षिणी ने मेघ को नज़रें ऊपर करके देखा। पहली लाइन का अर्थ क्लियर हो गया, इत्याख्याते माने जो ये पूर्व में बताई गई बातें कि भर्तो मित्रम, जब तुम इस प्रकार से उसे बताओगे हे अभिधवे, हे सौभाग्यवती, मैं तुम्हारे स्वामी का परम मित्र हूँ, प्रिय मित्र हूँ, तो वह यक्षिणी क्या करेगी, उन्मुखीसा तुम्हें ऊपर मुख करके देखेगी, जैसे सीता जी ने हनुमान जी को देखा था। क्लियर हो गया पहली लाइन का अर्थ। अब आ जाओ, तामोत्कंठो उच्छ्वसित हृदया, अर्थात उसके हृदय में एक उत्कंठा जाग गई, उत्कंठा अर्थात उत्तेजना जाग गई कि अरे हमारे पति का संदेशा लेके आया है, और सीता जी के भी मन में संदेशा जाग गई, अरे ये राम का दूत है, ये राम का दूत हनुमान जी है, उनका संदेशा लेके आए हैं, ऐसी उत्कंठा, कुछ जानने की उनके अंदर उत्कंठा जाग गई कि यदि दूत आया है, उनका भेजा हुआ कोई गुप्तचर आया है, दूत आया है तो कुछ चीज़ें बताएगा, अर्थात वो यह दूत जाकर बताएगा कि मैं कहाँ हूँ,
ये सीता जी सोच रही। उसी तरह यक्षिणी के भी मन में यह उत्कंठा होने लगी कि प्रियतम का समाचार बताएगा, क्योंकि उसे पहले ही संबोधन से क्लियर हो गया कि हमारा जो यह प्रियतम है अविधवे शब्द से हमने मेघ ने हमें संबोधित किया था, मैं सौभाग्यवती हूँ। उसे एहसास हो गया कि हमारा पति अभी जिंदा है और बताया कि उत्कंठो उच्छ्वासित हृदय, अर्थात उसके हृदय में जो उत्कंठा उठी उसे द्वयत्वाम वीक्ष मन तुम्हें देखकर, त्वाम माने तुमको, वीक्ष माने देखकर। जब वह यक्षिणी मेघ को देखी, दिया ने त्वाम माने तुमको, वीक्ष माने देखकर, किसको देखकर, मेघ को जब वह देखी तो उसके हृदय में उत्कंठा जाग उठी, कुछ जानने की इच्छा जाग उठी कि पति कैसा है। वही चीज बताया, और जब वह तुम्हें देख लेगी, तुम्हें जान लेगी, उसके हृदय की उत्कंठा बढ़ जाएगी तो संभावम चैवम वह तुम्हारा सत्कार करेगी। बहुत दूर से आए हो, बहुत समय बाद आए हो, पति का संदेशा लेके आए हो, वह कैसे हैं यह सब जानकारी देने आए हो, इसीलिए त्वाम तुमको देखकर या तुम्हें वीक्ष माने देखकर हृदय उत्कंठा, उसका हृदय उच्छ्वसित हो जाएगा, उत्कंठा हो जाएगी, हृदय प्रसन्न हो जाएगा और चैवम संभाव्य और तुम्हारा सत्कार करेगी, तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हें जो है सम्मान भरी सत्कार भरी निगाहों से देखेगी कि तुम सत्कार करने योग्य हो। सीता जी के मन में भी ऐसे विचार आए थे हनुमान के प्रति, और यक्षिणी के भी विचार आ रहे हैं मेघ के प्रति कि वह तुम्हारा सत्कार करेगी। और दूत काव्य में जब आप पढ़ोगे तो दूत की यह परंपरा होती है, दूत कभी भी यदि किसी के पास जाता है उसका सत्कार अवश्य होता है। हाँ, कोई अधर्मी राजा यदि उसका सत्कार नहीं करता तो यह अपवाद है, नहीं तो अन्यथा प्रायशः बहुलता के अर्थ में देखा जाए तो वह राजा उसका सत्कार ही करता है। तामोत्कंठोच्छ्वासित हृदया वीक्ष संभाव चैवम, वह तुम्हारा सत्कार करेगी, त्वाम माने तुमको, वीक्ष माने देखकर उसके हृदय में उत्कंठा जागेगी। क्लियर हो गया, उसका हृदय प्रसंचित हो जाएगा त्वाम वीक्ष तुमको देखकर, और वह तुम्हारा सत्कार करेगी। और आ जाओ श्रोष्यत्यस्मात् परम वाहिता, यहीं पर रुक जाओ। दिया है अस्मात्, क्या दिया है अस्मात्, अस्मात् माने कि भर्तुः पेत्रम प्रेयम वेधवे, अस्मात् का अर्थ यही निकाल लो कि भर्तुः प्रेयम भर्तुः मित्रम प्रेयम वेधवे। जब इस तरह से उसे अस्मात् माने जानकारी हो जाएगी कि यह हमारे स्वामी का परम मित्र है, प्रिय मित्र है, जब उसे ऐसी जानकारी हो जाएगी अस्मात्, अस्मात् का अर्थ यही हुआ कि जब वह यक्षिणी पूरा विश्वास कर लेगी, नहीं ये हमारे स्वामी का मित्र है, जब ऐसा हो जाएगा तो परम वाहिता, परम माने बहुत और वाहिता माने सावधानी पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक आपकी बातों को श्रोष्यति सुनेगी, बाप की बातों को बहुत सावधानी पूर्वक सुनेगी, जब उसे यह विश्वास हो जाएगा कि भर्तुः मित्रम प्रेयम वेधवे वेद्धि माम भुवाहम माम भर्तुः प्रियम मित्रम, जब वह ऐसा समझ जाएगी, जब वह ऐसा जान जाएगी तो वह आपकी सारी बात जो यक्ष के द्वारा मेघ को बताई गई है कि यह जाकर कहना, और जो हनुमान जी को बताया गया कि सीता के पास ऐसा संदेशा पहुंचाना,
वह जब इस प्रकार से जान जाएगी कि तुम उनके असली दूत हो, तुम ही सच्चे दूत हो, उन्हीं के द्वारा भेजे गए हो, कोई मायावी रूप नहीं है आपका, तो वह आपके परम माने बहुत अवहिता माने सावधानी पूर्वक श्रोष्यति, तुम्हारी बातों को सुनेगी। जैसे ही उसे एहसास हो जाएगा नहीं ये सही दूत है, हमारे पति के पास से ही आया है, ऐसा अस्मात जब ऐसा उसे जानकारी होगी तो वह तुम्हें बहुत सावधानी पूर्वक सुनेगी। और आगे बताया, सौम से मन तेनेना, सौम्य माने हे सुंदर, तो यहाँ पर जो सौम्य शब्द आया है वह मेघ के लिए आया है कि हे सुंदर स्वरूप वाले, हे मेघ, कि सीमंतनी नाम, जो सीमंत अर्थात मांग वाली, तो स्त्रियों को मांग फाड़ती हैं या मांग निकालती हैं, इसीलिए उन्हें सीमंतनी कहा जाता है। अर्थात यहाँ सीमंतनी से बोध हुआ कि सुहागिन, जो सुहागिन स्त्रियाँ हैं, मांग स्त्रियाँ कब फाड़ेंगी कब निकालेंगी, जिनका विवाह हुआ है, और ऐसी स्त्रियों के सीमंतनी नाम, ऐसी स्त्रियों को, तो सीमंतनी नाम से यक्षिणी का भी बोध कर लो और स्त्री का भी बोध कर लो, सभी स्त्रियों के लिए भी कर सकते हो, कथानक चल रहा है यक्षिणी का, इसलिए यहाँ पर यक्षिणी का बोध करिए, सभी का करोगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, यक्षिणी का भी करोगे तब भी कोई आपत्ति नहीं। तो सीमंतनी नाम अर्थात जो स्त्रियों के सुहृदु, जो सच्चे मित्र होते हैं, सुहृद दिया ना, सुहृद जो सच्चे मित्र होते हैं, किसके, उनके स्वामी के, उपनत समीपानि, स्त्रियों के सुहृद उपनत अर्थात उनके स्वामी के जो सच्चे मित्र होते हैं, जब वह पास आते हैं, और पास क्यों आते हैं, कांतो दंत है, उनके प्रियतम का समाचार लेकर कोई उनका सच्चा मित्र, उनकी कांतो उद्दतम माने कांत माने प्रियतम का, उदंत माने समाचार, उनके प्रियतम का कोई सच्चा मित्र समाचार लेकर उपनत है, जब उस सीमंतनी नाम के पास, स्त्रियों के पास आता है, भाव समझना कि दिया है कि स्त्रियों का, जो स्त्रियां हैं, यदि उनके पति का, उनके प्रियतम का कांतो दंत प्रियतम का समाचार, उनके पति का समाचार, उनके भर्ता का समाचार, उनके स्वामी का समाचार, सुहृद कोई सच्चा मित्र माने उस पति का कोई अच्छा मित्र हो, वह यदि लेकर उनके पास आता है, जैसे भैया बंबई गए हों, वह किसी कारणवश दीपावली में ना आ पाए, कोई भी त्यौहार ले लीजिए, किसी भी त्यौहार में यदि उनकी उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन हाँ उनका मित्र आ रहा है, और वह जैसे ही घर में आएगा तो जो भाभी होंगी, जो भौजाई होंगी, वह दिया है कि प्रियतम का समाचार सुनने के लिए उत्सुक होंगी, उनके अंदर उत्कंठा होंगी, हमारे पति कैसे होंगे, क्या कार्य करते हैं, कब सोते हैं, कितना काम करते हैं, कितना उन्हें मेहनत पड़ता है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, यह सब जानकारी यदि उनके मित्रों के द्वारा लंबे समय बाद कोई मित्र जानकारी लेकर आ रहा है, वही है सुहृद उपनत है। जब वह जानकारी सीमंतनी नाम उस स्त्री को देगा तो वह स्त्री कैसा अनुभव करेगी, एक ही लाइन में लिखा कि संगमा किंचेद ऊन, ऊन का एक प्रत्यय है यहाँ पर, जो ऊन शब्द है, ऊन माने होता है कम, ऊन माने क्या होता है कम, किंचित माने कुछ, किंचित माने कुछ, ऊन माने कम, किंचित ऊन माने कुछ कम, संगमा संगम, अर्थात कहने का भाव यह है कि कोई स्त्री यदि घर पर हो और उसके पति का समाचार
कोई उस पति का मित्र लेकर आ रहा हो। दिया ना कांतो दंत माने प्रियतम का समाचार सुरहित माने अच्छे मित्र के द्वारा उपनत यदि प्राप्त होती है, यदि हमारे पास आता है वह मित्र पति का समाचार बताने के लिए, तो वह संगमा वह किसी समागम से कम नहीं होता। दिया ना कंचित माने किसी समागम से किसी संभोग से कम नहीं होता, किंचित उन्हें जैसे पति पति का जो समागम होता है उनका जो मिलन होता है उस मिलन से किंचित माने कुछ ऊन माने कम नहीं होता। क्लियर हो गया। यहाँ एक ही बताया कि हे सौम्य हे मेघ तुम हमारा संदेशा लेके जा रहे हो, मुझ यक्ष का संदेशा लेके जा रही हो, तो जो हमारी यक्षणी है वह है और तुम हमारे हो सुहृत। ऊपर बताया भरतु प्रियम मित्रम मैं तुम्हारे भरता का तुम्हारे भरतु का अच्छा मित्र हूँ, तो बताया सुरोहित और तुम हमारे अच्छे मित्र हो और हमारा संदेशा कांतोदंत है, हमारा संदेशा ले जा रहे हो, हमारे यक्षणी के प्रियतम का माने हमारा संदेशा ले जा रहे हो। तो जब वह संदेशा सुनेगी तो उसे जैसे हमने प्रथम रात में समागम उसके साथ किया था जो आनंद उसे मिला था वैसा ही आनंद उसे मिलेगा, बस दिया है कुछ कम, उस आनंद से कुछ कम आनंद मिलेगा लेकिन मेरे समागम का ही उसे आनंद मिलेगा। क्लियर हो गया। तो यह श्लोक की व्याख्या रही। हाँ वीक्ष में लेप प्रत्यय लगा है, वे ईक्ष धातु है, संभाव्य में भी लेप प्रत्यय लगा है और श्रोष्यति माने सुनकर किंचित का बता दिया कुछ ऊन एक प्रत्यय है कम के अर्थ में, श्रोहित से मेघ का बोध हो रहा है, कांतो दंत है कांतो दंत है माने प्रियतम का समाचार सीमंतनी नाम से यक्षणी का बोध हो रहा है, सौम्य से जो है मेघ का बोध हो रहा है और यहाँ पर दिया है असावधानी पूर्वक कौन सुनती है, परम अवहिता कौन है, यक्षणी है। और बताया ताम वेक्ष तुमको देखकर अर्थात मेघ को देखकर, और यहाँ बताया सा से यक्षणी का बोध हो रहा है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं किस शब्द से किसका बोध हो रहा है। इसी तरह ऊपर में भी था कि जो मम माने माम माने मुझे, तो माम से मेघ का बोध हुआ था कि मैं तुम्हारे भर्तु का माने यक्ष का प्रिय मित्र हूँ। और बताया कि तत् समीपे तत् से यक्षणी का तुम्हारे समीप मैं आया हूँ, तत् से अर्थात यक्ष का बोध हो रहा, तत् संदेश ही कौन है उसके संदेश, तो किसके संदेश, यक्ष के संदेश को कौन लेके आया, मेघ लेके आया। और यो माने जो जो वृंदानि त्वरति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां, तो मैं उनको क्या करता हूँ तुरंत मार्ग से तुरंत भेजने का प्रयास करता हूँ, तो यह कौन कार्य कर रहा है, मेघ कर रहा है। अबला भेड़ी मोक्ष उत्सुकान कौन हैं, प्रवासी लोग हैं जो विदेशों में गए हैं, घर आएंगे तो अपनी स्त्री का चोटी खोलेंगे, ऐसी इच्छा वाले ऐसी उत्सुकता वाले। क्लियर हो गया। इस तरह से यह भाव रहा, कैसा लगा कमेंट भाव कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।